नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे चैनल एनवीएच पेरेंट्स में। और मैं आपका दोस्त हितेश चौधरी फिर से एक बार लेकर आया हूँ गांधी जयंती के अवसर पर एक और शानदार भाषण जो आप मंच संचालन में और स्कूल में बोल सकते हैं। सभी माननीय आदरणीय प्रधानाध्यापक शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं गांधी जयंती के अवसर पर एक भाषण देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने क्लास टीचर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतने महान अवसर पर भाषण देने के लिए मुझे मौका दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गांधी जयंती केवल अपने देश में ही नहीं मनाया जाता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, क्योंकि वह अपने पूरे जीवन भर अहिंसा के एक पथ प्रदर्शक थे। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी को प्राप्त करने में बहुत संघर्ष किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के लिए आज़ादी प्राप्त करने के अहिंसा के अनोखे तरीके केवल पथ प्रदर्शक ही नहीं थे बल्कि उन्होंने दुनिया को साबित किया कि अहिंसा के पथ पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से भी आज़ादी पाई जा सकती है। वो आज भी हमारे बीच शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। वैसे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, हालांकि वह बापू और राष्ट्रपिता तथा महात्मा गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इस दिन पर नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को उनके समाधि स्थल पर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा प्रार्थना, फूल, भजन आदि के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। गांधी जयंती भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गांधी जी को याद करके उनके लिए मनाई जाती है जिन्होंने हमेशा सभी धर्मों और समुदायों को एक नज़र से सम्मान दिया। मैं आप सब से महात्मा गांधी द्वारा कहा गया एक महान कथन बांटना चाहूँगा कि मेरा जीवन मेरा संदेश है और दुनिया में जो बदलाव तुम देखना चाहते हो वो तुम्हें खुद लाना पड़ेगा।